बचपन में मासूम बच्चों की बड़ी बड़ी ख्वाहिशें होती है, जो ना ही गरीबी और परिस्थिति को समझ पाती है, जो समझती है तो सिर्फ ख्वाब। पर इन्हीं मासूमों के इन ख्वाबों को उड़ान देकर पूरा करने का संकल्प लिए उनका परिवार जो संघर्ष करता है, उसकी एक सुंदर निर्देशित तस्वीर दर्शाई है हाल ही में जी म्यूजिक मराठी पर रिलीज हुए मराठी गाने ताजमहल ने। हाल ही में रिलीज हुआ है एक शानदार मराठी सॉन्ग जिसकी स्टार कास्ट अभी हमारे साथ मौजूद है। इस सॉन्ग का नाम है ताजमहल और इसकी जो थीम है ना वो क्या ही ज़बरदस्त है। मतलब इमोशनली जो इंडियंस को पसंद होती है उसके लिहाज से बनाया गया है। तो ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करते, हमारे साथ इसकी कास्ट मौजूद है तो हम उन्हीं से जानते हैं ये इस सॉन्ग की थीम क्या है और किस तरह बनाया गया है ये सॉन्ग। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए दर्शकों को और इस सॉन्ग के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप दे दीजिए। हेलो नमस्ते आदाब, मेरा नाम है नितिन मरसखोले। हमारा सॉन्ग ताजमहल ये मराठी सॉन्ग है जो आज ही जी म्यूजिक मराठी पर रिलीज़ हो चुका है। इस गाने के बनाने के पीछे का उद्देश्य ये था कि हमारे बहुत से ख्वाब होते हैं जिसको हम पूरा करना चाहते हैं, पर कई बार परिस्थितियों की ऐसी अड़चन आ जाती है जो हमको उस ख्वाब को पूरा करने में बहुत से दिक्कतों का सामना होता है। तो वो एक छोटी सी मासूम बच्ची की आंखों में ख्वाब है कि वो चाहती है कि उसको ताज चाहिए। अब उसको ताज मिलने का जो सफ़र है वो उसका भाई उसका परिवार पूरा कर पाता है या नहीं कर पाता है, इस मुद्दे को रखते हुए इस गाने को हमने बनाने की कोशिश की है। तो आप सभी से आशा है कि आप इस सॉन्ग को देखेंगे और अपना प्यार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करेंगे। जैसे कि इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जो स्टार कास्ट यहाँ पर है, ये जो छोटी सी बच्ची है इसके माथे पर ये क्राउन लगा हुआ है बट वो उतना ओरिजिनल नहीं है, फिर भी उसके चेहरे पे जो चमक है वो आप काफ़ी अच्छे से देख सकते हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे आप किस तरह इस बच्ची का ख्वाब पूरा करते हैं, क्या उसके बारे में थोड़ी जानकारी बताएंगे? यही सवाल या प्रश्न है कि ये पूरा हो पाएगा या नहीं, तो इसके लिए आपको सॉन्ग देखना पड़ेगा। क्योंकि यही एक मॉरल ऑफ द थॉट यही था कि हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि हमारे डिज़ायर हमारे सपने पूरे होना चाहिए, पर सच में उन सपनों का पूरा होना ज़रूरी है क्या, एक सवाल है। क्योंकि कई बार हमको ऐसा ज़िंदगी में सामना करना पड़ता है कि हमको जो चीज़ें मिली है उसमें हम किस तरीके से हैप्पीनेस ढूंढ सके, उसी के ऊपर ये सॉन्ग का मेन मुद्दा है। तो वो आपका इंडिविजुअल चॉइस है कि इसको ताज मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, इसके लिए आप सॉन्ग ज़रूर देखिए। अभी हमने सॉन्ग देखा, उसकी हल्की सी झलक हमने देखी, तो हमने देखा कि शुरुआत में बच्ची है जो है किसी बात को लेकर नाराज़ हो जाती है, तो वो क्या सीन था, वो किस वजह से वो बच्ची नाराज़ हो जाती है? हाँ, तो गाने की शुरुआत में हमें देखने मिलता है कि वो अपने भाई को ज़िद्द करते हैं कि भैया मुझे मेरे बर्थडे में ओरिजिनल ताज चाहिए, पर इनकी परिस्थिति ऐसी तो नहीं है कि वो ताज ला सके। तो उसकी नाराज़गी के ऊपर ये सारे उसको रूठना मनाने की जो सारी जद्दोजहद है उसका भाई इस गाने में दिखता है। उसमें आप गुल्लक तोड़ देते हैं। जी हाँ, आप क्या करें, परिस्थितियों का आवार ही ऐसा है। वो थीम जो है ना वो आप भी देखेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि मतलब बहन की छोटी सी जिद के लिए भाई अपना गुल्लक तोड़ता है, उसमें भी कुछ नहीं उतने रहते नहीं है, लेकिन उसको एक प्यारा सा क्राउन आखिरकार भाई ला कर ही देता है। तो आप ये सॉन्ग ज़रूर सुनिए और देखने वाले दर्शकों को आप क्या बोलना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि आज हम बहुत सारे अच्छे और 30 सेकंड के रील और 15 सेकंड के वीडियोस में बहुत सारा एंटरटेनमेंट ढूंढते हैं, पर ये मनोरंजन के साथ साथ समाज प्रबोधन का भी काम है, जो एक छोटे से बच्चे की और एक छोटे से परिवार की स्टोरी से लेकर हम हमारे थॉट को किस तरीके से हम सुधार सकते हैं, सुधार नहीं सकते, एक अलग दिशा दे सकते हैं कि हमें जो मिला है उसमें हम सुकून खुशी किस तरीके से ढूंढ सके, मॉरल ऑफ द सॉन्ग यही है। यह खूबसूरत मराठी गाना सुबोध आनंद द्वारा निर्देशित और सुबोध आनंद डॉक्टर देवेंद्र गाडगे एवं संतोष बोब द्वारा मनमोहजनक रूप से प्रस्तुत किया गया है। इस गाने को सर्वेश अय्यर एवं श्रुति जैन द्वारा मधुर ध्वनि में गाया गया है, जिसका म्यूजिक मोहित मनुजा द्वारा कंपोज किया गया है, जिसके सुंदर बोल वैभव चौधरी द्वारा लिखे गए है। ताजमहल गाने की स्टार कास्ट से मुलाकात की है NBCN न्यूज ने, देखिए ये रिपोर्ट। इस सॉन्ग के जो मेन कैरेक्टर है प्यारी सी बच्ची जो ख्वाहिश करती है उस प्यारे से ताज की, जिसकी माँ और भाई उसकी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए क्या प्रयास करते हैं, उसके लिए अभी हमारे साथ उनकी कास्ट मौजूद है तो उन्हीं से जानते हैं कि क्या उनकी ख्वाहिश थी और किस तरह उनकी जो माँ का किरदार जिन्होंने निभाया है किस तरह वो अपनी बेटी की ख्वाहिश पूरी करेंगी। तो सबसे पहले आपका नाम और कैसा रहा इसके साथ अंदाज एक्सपीरियंस कैसा रहा वो क्या बताएंगे? नमस्कार, मी बबीता डोडस। मी ह्यामध्ये मी आईचा रोल केलेला आहे आणि ही माझी मुलगी बनलेली आहे। हिला स्वप्न असते हिचं की हिला एक ताज मिळावा रिअली, तर ते आमची अशी कंडिशन नसते की हिला आम्ही रिअली ताज मिळवून द्यायचं, म्हणून आम्ही हिच्यासाठी खूप प्रयत्न करत असतो। मग अशा प्रकारे आम्ही ह्या गाण्याच्या माध्यमातून हेच दाखवलं आहे की कशी संघर्ष असतो,
मिडल क्लास परिवाराचं आपण जे करतो त्याचा कसा संघर्ष असतो आणि तिचा भाऊ तिच्यासाठी किती प्रयत्न करतो त्या ह्या गाण्याच्या माध्यमातून आम्ही दर्शकांसमोर मांडलेलं आहे, तर अवश्य बघा. थँक्यू सो मच. तो अभी जो मेन कैरेक्टर है जिसकी ख्वाहिश है, तो आप क्या बताएंगे कि आपकी क्या ख्वाहिश है और किस तरह इस गाने के साथ आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा? तो मेरा नाम है अनन्या अमोल गावंडे और मैंने इस सॉन्ग में चिंगी का ये जो किरदार है वो प्ले किया है और मुझे एक क्राउन का मतलब बहुत मुझे क्रेज़ रहता है, तो आई रियली वॉन्टेड द क्राउन और मैंने अपने भैया को बोला और जन्मदिन में उसे बोला, पर ही कांट गेट मी सो आई वॉज अपसेट. और मेरी रील उसमें बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि मैं मेरे पास एक ताज हो, पर बाद में मुझे एहसास होता है कि ताज से ज़्यादा मेरी फैमिली मुझसे इम्पोर्टेंट है, वो जो मेरे लिए कर रही है वही मेरे से मेरे लिए अच्छा है. सो दैट्स इट. आणि थँक्यू सो मच डायरेक्टर सुबोध आनंद सर, त्यांनी ही समोर मांडलेला हा विषय आम्हाला फार आवडला आणि खूप छान छान अनुभव आम्हाला काम करताना ह्या सॉन्गमध्ये. थँक्यू सो मच डायरेक्टर सुबोध आनंद सर, थँक्यू सो मच. मेरा नाम अनघा देवारे है. मैं इस रोल में चिंकी की फ्रेंड बनी थी, बेस्ट फ्रेंड बनी थी और मुझे बहुत अच्छा लगा बनकर. बहुत सारे फ्रेंड्स आए थे, उसके बहुत सारे फ्रेंड्स थे और बहुत मज़ा आया. NBCN न्यूज़ के लिए राजकुमार मोहड़ के साथ अक्सा अंसारी की रिपोर्ट.